क्या है वहाँ पे, दिक्कत आए तो भाई लोगों अब चल रहे हम नाहरगढ़ फोर्ट के। नाहरगढ़ से सिंधी कैम्प बस स्टैंड वॉकिंग डिस्टेंस पे एक डेढ़ किलोमीटर रह जाता है बस। आमेर फोर्ट से जयगढ़ के लिए 2 किलोमीटर का रास्ता है पैदल पैदल, और वही अगर तब इधर से आओगे अपनी गाड़ी से तो वो 10 किलोमीटर का पड़ जाता है। मतलब जो दो मैंने आपको चीज़ दिखाई वहाँ पे, पहले तो पानी जितना ही पहाड़ का एक साथ आता है वो उसमें अंदर गिरता है नाली के थ्रू। भैया अब उसी रास्ते पे चल रहे हैं नाहरगढ़ फोर्ट वाला, पूरे जयपुर सिटी का नज़ारा। तो भाई लोगों अब चल रहे हैं हम नाहरगढ़ फोर्ट, उसके लिए हमने ऑटो ले लिया है क्योंकि अंदर ज़्यादा चढ़ाई हो रही है, ज़्यादा सब्जी है। देखते हैं यहाँ से 4-5 किलोमीटर कह रहे हैं, 5-6 किलोमीटर कितना है मैं आगे बताते हैं। भाई लोगों यार एक इन्फॉर्मेशन पता पड़ी हम दोनों को जिससे हम शौक हो गए थोड़ा बहुत, मतलब ये आप लोगों के लिए। आमेर फोर्ट से जयगढ़ के लिए 2 किलोमीटर का रास्ता है पैदल पैदल, और वही अगर जब इधर से आओगे अपनी गाड़ी से तो वो 10 किलोमीटर का पड़ जाता है। देख रहे हो मतलब अभी अगर पुल खुला होता हमारा तो हमारा बहुत टाइम बच जाता, हम आराम से आ जाते। और एक और नई चीज़ पता पड़ी है कि नाहरगढ़ से सिंधी कैम्प बस स्टैंड वॉकिंग डिस्टेंस पे एक डेढ़ किलोमीटर रह जाता है बस। अब वो पता नहीं लोग कह रहे हैं, अब हम पता करेंगे कि ऐसा है या फिर सिर्फ काट ही रहे हैं अपने लोग। सही है, मतलब इसने ये वाला फोर्ट ऐसे छोड़ कर बनाया है कि आप सिटी पे पहुंच जाओगे, पूरी सिटी दिख रही है। आजा थोड़ा आजा। सर्टिफिकेट है अब हम, मेरा हमारा मेन टारगेट है वो रास्ता ढूंढना जिससे यहाँ पे हम जल्दी से उतर सकते हैं। देखते हैं भाइयों इस चीज़ की 500 रुपये। अंदर शीश महल भी म्यूजियम भी है। जो ताल बजा रहा है ना वो कैरवा ताल है, देख मैं बोल रहा हूँ, देख लेना यहाँ से क्या देख। धागे नाते नाके देना, धागे नाते नाके देना, धागे नाते नाके देना, धागे नाते नाके देना, कैरवा जा रहा है। हम पर करने की जरूरत क्या है वहाँ पर, दिक्कत आए अंदर वैक्स ठीक है। हाँ हाँ चलो प्लास्टिक हीरे 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 अच्छा सर तो भाई हम लोग नाहरगढ़ में, अगर कुछ आर्किटेक्चर इतने अच्छे होते हैं कि यार मज़ा सा आ जाता है। जैसे ये देखो ये वेल टाइप का स्टेप वेल कह सकते हो, नीचे पानी गिर रहा है पूरा, प्लस ये मैंने आपको दिखाई बावरी। एक बात तो है कहना लगा स्ट्रक्चर अच्छा है, मतलब जो दो मैंने आपको चीज़ दिखाई वहाँ पे, पहले तो पानी जितना ही पहाड़ का एक साथ आता है वो उसमें अंदर गिरता है नाली के थ्रू, फिल्ट्रेशन की दे रखी है अंदर कि वहाँ से फिल्टर हो जाता है, और उसके बाद आगे जाता है जो स्टेप वेल दिए गए हैं जिसमें जिससे आप उसको नहा सकते हैं आराम से, कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब उस समय भी कितना दिमाग था उन लोगों का।
चला जा। पूरे जयपुर सिटी का नजारा देखो भैया, हम अब उसी रास्ते पर चल रहे हैं, नारगढ़ फोर्ट वाला।